नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अगर आपको कहा जाए कि आप कोरोना के मरीजों को हवा में भी इलाज दिया जा सकेगा, हवा में भी आईसीयू के जरिए उनको तमाम वो सब सुविधाएं दी जा सकेगी जो हॉस्पिटल के आईसीयू में होती हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इंडियन नेवी ने ये कर दिखाया है। इंडियन नेवी ने हाल ही में अपने एक लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया है, और जिसके तहत आईसीयू में जो भी फैसिलिटीज होती है सीरियस से सीरियस मरीजों को, जो कहते हैं कि लाइफ गिविंग जो फैसिलिटीज होती हैं, वो आईसीयू के अंदर है। और इस हेलीकॉप्टर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि तमाम मशीनरी जो आईसीयू की होती हैं, जो लाइफ देने की होती हैं, वो इस हेलीकॉप्टर के अंदर है। किस तरह से हेलीकॉप्टर जो सैनिक है उनकी मदद करेगा, क्या और लोगों के लिए भी ये जो हेलीकॉप्टर उसकी सेवा दी जा सकेगी, किस तरह से आने वाले समय में कोविड के अलावा भी क्या इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, इन तमाम बातों की हमने जानकारी ली। और हमारे साथ आज न्यूज नशा में है इंडियन नेवी के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन कैप्टन डी के शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो एक कदम इंडियन नेवी ने उठाया है, बहुत एक सराहनीय कदम है, खासतौर पर इस टाइम पर जब पता चलता है कि फोर्सेस के बहुत से लोग कोरोना से पीड़ित होते हैं, पता चलता है, और ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं कि उनका मेन स्ट्रीम में आकर इलाज करवाने में बहुत समय लग जाता है, और जब समय लगता है तो पूरी जान पर बनाती है। तो जो हेलीकॉप्टर है जिसको इंडियन नेवी ने कन्वर्ट किया आईसीयू में, इसका मकसद क्या रहा और किस तरह से ये मदद करेगा नौसेना के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सैनिक हैं, जो शिप में रहते हैं, उनके किस तरह से ये हेलीकॉप्टर मदद करेगा। ये हाल ही में इंडियन नेवी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जिसमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, उसका हमने मॉडिफाई करके, इंडियन नेवी ने मॉडिफाई करके उसमें एक आईसीयू का प्रावधान किया है, जिसका ये मतलब है कि अगर हमारा कोई भी सेलर या ऑफिसर अगर कुछ जिसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए एट सी में, तो उसको आईसीयू जैसी कंडीशंस में हम वहाँ से निकाल सकते हैं और शोर पे ला के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं। आप देखिए, ये जो एक फैसिलिटी पैदा हुई, मतलब जो बनाई गई है, इसमें क्या होगा कि हेलीकॉप्टर का रोल कन्वर्शन होगा, उसके अंदर ऑल ये सारी मशीनें लगेंगी जिससे कि सारे वाइटल पैरामीटर्स चेक किए जा सकते हैं, और डॉक्टर रहेगा हेलीकॉप्टर के अंदर, और जो भी 2-3 घंटे लगते हैं पेशेंट को किसी या तो स्मॉल स्टेशन से बड़े स्टेशन में शिफ्ट करना हो या एट सी से उसको अशोर लेके आना हो, और अगर ऐसी सिचुएशन पहले ऐसा नहीं था तो उसके लिए शिप को वापस आना पड़ता था, बट आप देखिए अब ये जो एक इनोवेशन करके और ये जो मॉडिफिकेशंस करके इन्होंने किया है, ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और इसके बहुत फायदे होंगे। तो एक बहुत अहम बात बताई यहाँ पे कैप्टन शर्मा ने कि जब पहले कभी ऐसा होता था किसी जो शिप में जो ऑफिशियल है नेवी के, वो बीमार पड़ जाते थे कोविड की, पता चलता था कि कोविड है, तो वापस उनको शोर पे किनारे पर लाकर के हॉस्पिटल ले जाने में बहुत ज्यादा समय लगता था और पूरे शिप को वापस लौटना पड़ता था, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर की मदद से जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, इसमें अगर शिप में पता चलता है कि कोई भी ऑफिशियल है, उसको कोरोना है, उसकी हालत गंभीर है, उसके बाद उसको हेलीकॉप्टर में आईसीयू मौजूद है जिसमें वेंटिलेटर तक की सुविधा होती है। आपको पता है वेंटिलेटर का मतलब है कि पूरी जो आदमी का पूरा सिस्टम है उसको वेंटिलेटर मशीन पर डाल दिया जाता है और आपके हार्ट, लंग्स, आपके सारा जो काम है वो मशीन करती है, तो वह आईसीयू में इसकी भी फैसिलिटी होती है और इस हेलीकॉप्टर में ये भी फैसिलिटी है। तो इसका मकसद है बिल्कुल कि जो कोरोना से पीड़ित शिप में जो ऑफिशियल होते हैं और समुद्र के बीचों बीच होते हैं और पता चलता है सडनली उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर कम आईसीयू इन सैनिकों को वहां से लिफ्ट करेगा, उनको आईसीयू में वहीं पे उनका इलाज होगा, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग है और वहां पे शिफ्टिंग के बाद शोर तक लाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर में खुद आईसीयू मौजूद है तो लिफ्ट करते ही पूरी सारी सुविधा चिकित्सा की मिलेगी उसको और बाद में मेन स्ट्रीम के हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है जो एक कदम उठाया है, या आपके पास और भी ऐसी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं आईसीयू ना हो लेकिन ऐसे हेलीकॉप्टर्स है जिनसे लिफ्ट किया जाए और एक चिकित्सा जो होती है इनिशियल स्टेज पर वो दी जा सके, और आने वाले टाइम में भी क्या इसकी सेवा बरकरार रहेगी? ये जो मॉडिफिकेशन है ये स्पेशली कोविड के लिए नहीं है, ये कोविड टाइम में ये आई है, बट आप ये देख सकते हैं कि इसमें
इतना एक एडवांटेज मिलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोविड हो गया या किसी के ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो अब आपके पास ऐसा इंतज़ाम रहेगा कि उस सेलर या ऑफिसर या जो जो भी हमारा नौसैनिक है उसको इमीडिएटली विद द सेम ऑक्सीजन थिंग हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें शिफ्ट करेंगे, सारे पैरामीटर्स उसके कंटिन्यूसली चेक होते रहेंगे और डॉक्टर साथ में रहेंगे अपने पीपी सूट्स वगैरह में, और इनको यहाँ पर अश्योर ला के पूरा ध्यान रखा जा सकता है उनका। तो ये एक, और ये मैं आपको बता दूँ, एज़ पर माई सोर्सेज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा एक प्रावधान या ऐसी मॉडिफिकेशन एक हेलीकॉप्टर में हुई है। अब हमारे जो ध्रुव आर्मी में भी चलता है, एयरफोर्स में भी चलता है, नेवी में भी है, तो इससे इसके हमारे जो जवान तैनात हैं बॉर्डर्स पे दूर दराज के इलाकों में, और किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। अब ये मॉडिफिकेशन HAL ने करके दिया है और ये बहुत एक अहम स्टेप है और बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारे जवानों को, ऑफिसर्स को, जो कि दूर दराज के इलाकों में डिप्यूटेड रहते हैं, पोस्टेड रहते हैं। जैसा कि कैप्टन शर्मा ने कहा कि उनके सोर्सेज बता रहे हैं कि पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है और कोरोना काल में लिया गया है, क्योंकि इस तरह के बहुत से मामले देखे जा रहे थे कि जो शिप में मौजूद हैं लोग उनको अगर किसी भी ऑफिसर को कोरोना होता है तो पूरी की पूरी शिप को वापस लौटाया जाता है, क्योंकि कितना आप इलाज कर सकते हैं, प्राइमरी इलाज के जो फैसिलिटीज वो होती है, तो पूरा शिप वापस लौटना पड़ता है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और जो एक गोल्डन पीरियड होता है चिकित्सा मिलने का कोरोना के मरीज को, वो लूज होता है। तो ये हेलीकॉप्टर जो लॉन्च किया गया इसका पर्पस यही है, और पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, और आने वाले समय में कोरोना के बाद भी ये हेलीकॉप्टर जो है अपनी सेवाएं इंडियन नेवी में इसी तरह से देता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है दोस्तों, और जिस तरह से हमको पता है कि एयर एम्बुलेंस होती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस में ICU सेटअप नहीं होता है, इनिशियली जो है मरीज को प्राइमरी सपोर्ट जो दी जाती है वो दी जाती है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में छोटा हॉस्पिटल हम कह सकते हैं कि छोटा सा एक हॉस्पिटल है विल जिसके सारे अंदर सारे एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद है हमें कि इसके इंट्रोड्यूस होने से जो शिप में मौजूद ऑफिशियल्स हैं, नेवी के ऑफिशियल्स समुद्र के बीच बीच अपनी ड्यूटी देते हैं बीचों बीच, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो तुरंत उनको मेडिकल अटेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको तमाम जानकारी अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमको पता चली और हमको लगा कि आपसे शेयर करें, और हमने इसके लिए नेवी के फॉर्मर कैप्टन को भी इनवाइट किया, और कोशिश यही रहती है कि आपको तमाम जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको दी जाए एक्सपर्ट्स की मदद से। तो इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।